दोस्तों, विवेक चौहान के डायरेक्शन में बन रही फिल्म बाघ अपनी स्टार कास्ट को लेकर काफी चर्चा में है। इस फिल्म में सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ लीड रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग पिछले साल शुरू हुई थी और अब खत्म होने के कगार पर है। अब मेकर्स फिल्म में एक आइटम सॉन्ग करना चाहते हैं जिसमें सनी देओल, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती एक साथ डांस करते हुए नजर आएंगे। और रिपोर्ट्स के अनुसार इसके साथ बॉलीवुड एक्टर रवीना टंडन भी डांस करते हुए दिखाई देंगी। फिल्म के गाने की शूटिंग भी खत्म हो चुकी है और ये सॉन्ग हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिलने वाला है। फिल्म बाप को मेकर्स इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म में सनी देओल अर्जुन नाम के पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। संजय दत्त बल्लू, जैकी श्रॉफ जयकिशन और मिथुन चक्रवर्ती येदा भगत के रोल में नजर आएंगे। फिल्म के गाने को लेकर जी स्टूडियो ने 3 म्यूजिक डायरेक्टर को शॉर्टलिस्ट किया है। फिल्म के इस सॉन्ग को काफी ग्रैंड लेवल पर शूट किया गया है। मेकर से सॉन्ग के जरिए चारों एक्टर्स का स्टारडम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये चारों ही एक्टर्स 80s और 90s के बड़े सुपरस्टार हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यह गाना कैसा होगा। फिल्म में इस आइटम सॉन्ग के अलावा प्रोड्यूसर अहमद खान ने एक और गाना ऐड किया है। यह सॉन्ग एक इमोशनली सॉन्ग है जिसमें चारों एक्टर्स बुरे वक्त के दौरान एक दूसरे का साथ देते हुए दिखाई देंगे। यह एक जबरदस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली है, लेकिन अभी तक फिल्म की कहानी को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन ये पहली बार होगा जब बॉलीवुड के चार बड़े एक्टर्स सनी देओल, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती एक साथ बड़े फिल्म में नजर आएंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी फिल्म बाप में इन सभी एक्टर्स का आइटम सॉन्ग देखना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। बाकी फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।